नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल टिकटिक सचिन पर स्वागत। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्रिप्टो के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस हो, अपडेट्स हो, प्राइस प्रेडिक्शंस हो, आपको हमारे चैनल पर लगातार देखने को मिलेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, यहाँ पर भी क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ हो, पोस्ट हो, अपडेट्स हो, आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने जो कि यहाँ पर कुछ क्वाइंस जो कि सजेस्ट किए थे, आप देख सकते हैं कब, 10 जून के दिन जैसे मार्केट क्रैश हुआ, कुछ क्वाइंस हमने आपके साथ शेयर किए थे, उनमें अगर आपने बाइंग की होगी तो अभी के समय कुछ 5-10% का रिटर्न आपको मिल रहा होगा। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता ही रहता हूँ, और ये सभी क्वाइंस में जितना मार्केट गिरे उतना ज़्यादा आपको बाइंग करते ही रहना है, एवरेज निकलती ही रहना है। तो उन क्वाइंस में जरूर इन्वेस्टमेंट बनाकर रखिएगा। जैसे कि आज आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज हम INJ कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इंजेक्टिव कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। इंजेक्टिव कॉइन क्या है, क्या करता है, क्या काम है, इसका प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहेगा, कहां पर हमारी बाइंग होगी, कहां पर टारगेट्स होंगे, सभी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हो सकती है आने वाले दिनों में, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं $6.03 समथिंग अराउंड यहाँ पर प्राइस चल रहा है, और एक पिछले घंटे में यानी 24 घंटे में 2.26% की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देख सकते हैं, मार्केट कैप में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जब मार्केट कैप में बढ़ोतरी होती है, वही प्राइस में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बता दो, यहाँ पर मार्केट कैप जो कि आप देख सकते हैं $482 मिलियन के समथिंग अराउंड यहाँ पर मार्केट कैप चल रहा है। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 80% सप्लाई अभी के समय मार्केट में उतारा गया है, यानी कि इन फ्यूचर ज़्यादा टोकन्स अनलॉकिंग होने की ज़्यादा डर नहीं है, उससे ज़्यादा हमें प्राइस में जो कि गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ इसकी बात करें तो यह एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट है, साथ ही डेफी प्रोजेक्ट है, Web3 पर काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको, इस कॉइन को, इंजेक्टिव कॉइन को स्ट्रांग बनाता है। तो इनके वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं, वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगी कि यह Web3 का प्रोजेक्ट है। और द ब्लॉकचेन बिल्ड फॉर फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के सिस्टम के लिए, जो भी फाइनेंस के रिलेटेड जो भी ब्लॉकचेन या फिर जो भी एप्स बनाते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप बनाने वाले हैं, तो यह उसके बेस पर बना सकते हैं। इसके बेस पर बिल्ड एंड यूज़ द बेस्ट Web3 एप्लीकेशन, यानी कि जो भी Web3 एप्लीकेशन रहेंगे वो आप इंजेक्टिव पर बिल्ड कर सकते हैं। Layer 1 ब्लॉकचेन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, जो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग, अभी के समय फाइनेंस के सेक्टर में ही बहुत ही ज़्यादा घफला हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि सेंट्रलाइज होने के नाते वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हो रही है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, सब किसी और के हाथ में होता है। लेकिन जब Web3 के एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप होंगे, Web3 का काम शुरू होगा फाइनेंस के सेक्टर में, तो वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें जो फ्रॉड हो या फिर बहुत कुछ चीज़ें, गलत चीज़ें जो कि कस्टमर के साथ हो रहे हो, तो ये नहीं हो सकते। तो Web3 के एप्लीकेशंस आप इंजेक्टिव पर डेवलप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। साथ ही AI बेस्ड पर, AI पर भी काम कर रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Binance हो, Cosmos हब हो, ये सब जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके पीछे वर्क कर रहे हैं, इकोसिस्टम है। और उसके साथ यहाँ पर भी बताया गया है कि बैकड बाय द बेस्ट, यानी कि बाइनेंस, ये क्या है, पेंटेरा और जंप और मार्क कुबेन, ये बड़े बड़े कंपनीज इनके एज अ बैकड हैं, इनका सपोर्ट इनके साथ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंजेक्ट, यानी कि INJ क्वाइन यहाँ पर स्ट्रांग हमें यहाँ पर दिख रहा है, सपोर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात होगी सब फंडामेंटल्स की, अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में चार्ट्स क्या कुछ कर रहा है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एकदम मार्केट अभी के समय बॉटम पर आया है। जो हाई लगाया था $25 के समथिंग अराउंड, और जो बेस था यहाँ पर कहीं पर $1 के समथिंग अराउंड से यहाँ पर प्राइस पंप हुआ है। जैसे एक जनवरी का दिन आया था, $1.23 के समथिंग अराउंड प्राइस थी,
और यह लगभग लगभग 9.99 यानी कि $10 के समथिंग अराउंड यहाँ पर प्राइस पहुँची थी। करीब करीब 900% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। लेकिन वो बात हो गई, जो जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया है उनके लिए अब क्या क्या सिनेरियो यहाँ पर हमारे सामने बन रहे हैं वो मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लो बनाता है, ये हाई बनाता है, उसके बाद यहाँ पर लोअर लो हायर लो ऐसे बनाते हुए मार्केट ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर मार्केट का शुरू होता, यहाँ तक कुछ यहाँ इस तरह से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू था। जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रेक किया है, जैसे ही मार्केट इस जोन को, ये वाला जो जोन था बहुत ही बढ़िया सा जोन था दोस्तों, ये वाला जोन हमें करीब करीब कहाँ पर देखने को मिला है, 5.23 डॉलर के समथिंग अराउंड। जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया है वैसे ही मार्केट बुलिश साइड शिफ्ट हो चुका है। एज अ डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एनालिसिस कुछ अलग है या बहुत ही एडवांस लेवल के एनालिसिस है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। अब हमें बाइंग कहाँ पर करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मंथली तो बॉटम से मार्केट निकल चुका है, अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें बाइंग कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर जो कि एकदम बॉटम बॉटम था और यहाँ से अगर हम हाई तक अगर इसको फिबोनाची से हम करेंगे चेक करेंगे तो इसका 50% यहाँ पर आता है, 50% यहाँ कहीं पर आता है, आप देख सकते हैं 50% 5.53 डॉलर के समथिंग अराउंड पर यहाँ पर आता है। और आप देख सकते हैं पिछली बार जब मार्केट गिरा था एक सप्ताह पहले, क्या तो 10 जून के दिन जब मार्केट गिरा था तब एग्जैक्ट आप देखते, पिछली बार देखते थे यहाँ पर मार्केट 50% को यहाँ पर टच नहीं किया था, लेकिन इस बार मार्केट यहाँ पर टच हो चुका है, यानी कि इस 50% की लाइन को टच किया है और यहाँ से हमें अच्छा खासा अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपसाइड। अब लेकिन हमारे लिए यह परफेक्ट बाइंग जोन है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये आपको इतने झट से पता नहीं चलेगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरी पहली बाइंग कहाँ पर शुरू होगी? पहली बाइंग मेरी इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ही होगी। ये वाला लाइन कौन सा है दोस्तों? बहुत ही आप ध्यान में रखिएगा कुछ चीज़ों को, 5.143 डॉलर के समथिंग अराउंड इवेली पहली बाइंग मेरी यहाँ पर होगी। वो बाइंग कैसे होगी? जैसे ही डेली टाइम फ्रेम का कैंडल कुछ इस तरह से बनते हुए सिर्फ वीक को बाहर छोड़ते हुए वो अपसाइड जो कि क्लोज देता है, अगर कोई कैंडल इसको टच करता है और उसका क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर देता है जो कि 5.143 डॉलर के समथिंग अराउंड, तो यहाँ पर हमारी बाइंग शुरू हो सकती है। एज अ स्पॉट के लिए तो टेंशन मत लीजिएगा, ये फ्यूचर की बात की है मैंने, लेकिन एज अ स्पॉट के लिए आप पहली बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये वाला जो लाइन है दोस्तों 5.143 डॉलर के समथिंग अराउंड यहाँ पर पहली बाइंग होगी आपकी। दूसरी बाइंग होगी यहाँ कहीं पर जो होगा 4.081 डॉलर से लेकर 3.641 डॉलर के समथिंग अराउंड दूसरी बाइंग होगी। और तीसरी बाइंग आपकी यहाँ कहीं पर होगी, आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, 1.75 डॉलर से लेकर 1.22 डॉलर के समथिंग अराउंड आपके यहाँ पर थर्ड बाइंग होगी। तो ये हो गए बाइंग्स, आपको बाइंग यहाँ पर करते ही रहना है, करना ही है। अभी के समय क्या क्या सिनेरियो चल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस कैसे मूवमेंट दे सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ एक मार्केट ने यहाँ पर एक डिमांड यहाँ पर क्रिएट किया है और इस डिमांड को रिस्पेक्ट देते हुए कुछ प्राइस इस तरह से हमें मूवमेंट दिया है। ओके, उसके बाद क्या हुआ है कि प्राइस कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हुए इस डिमांड को फेल कर देती है, इस डिमांड को फेल करती है और उसके बाद क्या होता है कि प्राइस धीरे 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 जाते हुए एक तो इस लाइन को थोड़ा सा वीक बाहर बनाते हुए कैंडल अंदर की तरफ क्लोज देते हुए फिर नीचे आ सकती हैं, या फिर प्राइस ऐसे ही ऊपर जाते हुए यहाँ कहीं पर टच करके फिर वापस आ सकती है और इसको हल्का सा ब्रेक करके फिर ऊपर आ सकती है। एक तो सिनेरियो फर्स्ट यह हो गया, कुछ प्राइस इस तरह से मूवमेंट कर सकती है, या फिर प्राइस ऐसे नीचे आके यहाँ से रिएक्ट कर सकती है, या फिर यहाँ से आकर यहाँ भी रिएक्ट कर सकती है, लेकिन हमें परफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ रिएक्ट करेगा या फिर इस प्राइस पर रिएक्ट करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, एज अ स्पॉट ट्रेडिंग, एज अ स्पॉट इन्वेस्टमेंट करने के लिए
पहली बाइंग हमारी यहाँ पर बनेगी, दूसरी बाइंग आपकी यहाँ पर बनेगी और तीसरी बाइंग यहाँ पर बनेगी। फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहली बाइंग कहाँ पर रहेगी आपकी, 5.143 डॉलर के समथिंग अराउंड। सेकंड बाइंग आपकी इस जोन पर बनेगी जो कि 4.08 डॉलर से लेकर 3.64 डॉलर के समथिंग अराउंड। और थर्ड जो बाइंग बनेगी हमारी कहां पर बनेगी, 1.75 डॉलर से लेकर 1.22 डॉलर के समथिंग अराउंड। अब यहां पर थ्री बाइंग्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है उसमें से 10% तक आप इन्वेस्टमेंट यानी कि 10,000 रुपये आप इस कॉइन में लगा सकते हैं। अब 10,000 एक ही बार में लगाना है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको पहली बाइंग पर आपको यहाँ पर 3,000 रुपये लगाना है, सेकंड बाइंग प्राइस मिल जाए तो फिर 3,000 रुपये लगाना है, आप फोर्थ बाइंग प्राइस पर 4,000, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं कैसे भी। चाहे पहले आप 4,000 लगाएगा, दूसरी बार 4,000, तीसरी बार 2,000, या ऐसे थ्री पार्ट्स में आपको 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंजेक्टिव कॉइन में, INJ कॉइन में, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा रिजल्ट, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अभी के समय इसका मार्केट कैप क्या चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके, हाँ ओके, हाँ अभी के समय मार्केट कैप चल रहा है 483 मिलियन डॉलर के समथिंग अराउंड, यानी कि इसका मार्केट कैप करीब करीब 10 बिलियन डॉलर तक जाए तभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर यह 10 बिलियन जाता है तो अभी के हिसाब से भी देखेंगे तो 20x का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 20x यानी कि इस 20 को अगर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120 डॉलर के समथिंग अराउंड, यानी कि प्राइस 120 डॉलर के समथिंग अराउंड यहाँ पर जा सकती है। अगर बीच में कोई टोकन्स अनलॉक होते हैं, थोड़े बहुत अनलॉक भी होते हैं, तो हमारा टारगेट यहाँ पर 100 डॉलर भी रह सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा 100 डॉलर तक आप मत रुकिएगा, जैसे ही आपका पैसा 5x या फिर 10x हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस 5x 10x हो जाए तो आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको निकालिएगा या फिर 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। उसके बाद बड़े बड़े टारगेट यानी कि 20 डॉलर, 50 डॉलर, 70, 80 डॉलर, इस तरह से आप टारगेट्स लेते रह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रिप्टो मार्केट में पैसा वही बनाता है जो प्रॉफिट बुकिंग करता है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करना बेहद ज़रूरी है। आपको लगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके रखिएगा और उसके बाद बचे को एज अ लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, INJ कॉइन के बारे में प्राइस प्रेडिक्शन कैसे लगी, क्या कुछ है, सब कुछ कैसे लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाई है, सॉरी कहाँ पर है भाई, ओके 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 ओके, देखिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फ्यूचर स्ट्रैटेजी करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहां पर 33 व्यूज भी आ चुके हैं। यहां पर आपको पर डे 100 डॉलर तक आप पैसा कमा सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहां पर देखिए सिर्फ 15x का लीवरेज इस्तेमाल करके मैंने 83% का रिटर्न यहां पर कमाया है, आप जाकर लाइव चेक भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो कि स्ट्रैटेजी यहां पर बताया है, आप यहां पर छोटे से रिस्क से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और फ्यूचर रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए